सोलन में बरसों से गंदगी में जीवन यापन करने को शहरवासी मजबूर हैं। शहर में गंदगी का आलम यह है कि न शहरवासी जागरूक हैं और न ही प्रशासन। यही वजह है कि सोलन शहर में गंदगी के अंबार लगते जा रहे हैं। महज सड़कों को साफ कर नगर परिषद अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन वास्तविकता में गलियों और दूर दराज क्षेत्रों में कहीं सेप्टिक टैंक खुले पड़े हैं तो कहीं सरेआम लोगों के घर द्वार के आगे कूड़ा फेंका जा रहा है, लेकिन प्रशासन है कि शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुध नहीं ले रहा है। यही वजह है कि लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। रोष प्रकट करते हुए शहरवासियों ने कहा कि वह पिछले कई वर्षों से जिला प्रशासन को शिकायतें कर चुके हैं और उनके घर के आगे फैली गंदगी और खुले सेप्टिक टैंक बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। सेप्टिक टैंक ऊपर से बिल्कुल खुले पड़े हैं, जिसकी वजह से कहीं कभी बड़ा हादसा भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि वह कई बार इस बारे में जिला प्रशासन और नगर परिषद को जागरूक कर चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ कम से कम 10 सालों कचरा और कूड़ा करकट सब कुछ पड़ा है। हमने मकान मालिक को भी बोला, वार्ड मेंबर ने को भी बोला, लेकिन 10 साल से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। पूरी बिल्डिंग डैमेज है, सारा पानी ओपन है, सीवरेज ओपन है, सब कुछ ओपन है, कूड़ा ओपन है। कमेटी में भी कंप्लेंट करी, लेकिन कोई भी कार्रवाई, किसी ने भी कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। वार्ड मेंबर ने को हमने कम से कम 10 बार बोल दिया, फोन किया, उसने कोई भी कार्रवाई नहीं की। और हमें इतनी दिक्कत होती है, मच्छर मक्खी सब कुछ मेरे घर को आ जाता है, और इस जल्दी से जल्दी इसकी कोई कार्रवाई की जाए। और ऐसे तो बोलते हैं मोदी सरकार का स्वच्छ अभियान, क्या अभियान है, देखो जरा आप खुद आके देखो, मौके पे आके देखो। इसके बिल्डिंग का बहुत बुरा हाल है इनका यहाँ पर इतना गंद है कि हमारे को खाना बनाना भी मुश्किल हो रहा है। इतनी गंदी बदबू आती है कि खाना भी नहीं बना सकते, किचन में भी बहुत गंदी स्मेल आती है, सेफ्टी टैंक का गटर भी खुला हुआ है, बहुत गंदा है। सबको कंप्लेंट कर दी, कोई नहीं सुनता।